सुबह 5 बजे के करीब भैंसा के कोरबो गली में पुलिस की जानिब से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। भैंसा एएसपी किरण प्रभाकर खारे की निगरानी में 150 पुलिस अमले ने इस दौरान हिस्सा लेते हुए 90 मोटरसाइकिल्स, एक टाटा मैजिक, एक ऑटो और गुटखा को जब्त कर लिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल खाजा की भैंसा से ये रिपोर्ट। इसके अंदर हमने टोटल 88 व्हीकल्स सीज किए जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, साथ में 2 ऑटोज और 1 कार को भी सीज किया। सभी भैंसा के लोगों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आपको परेशान करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। ये सभी ऑपरेशन आपकी सेफ्टी के लिए, इस भैंसा की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, ताकि हम चाहते हैं कि भैंसा में बार बार ऐसे तरह के दंगे फसाद या राइड्स ना हो। सभी लोगों को, भैंसा के सभी लोगों को, आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन आ जाइए। जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेके आइए, इंश्योरेंस, RC, ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर प्लेट और साथ में ओल्ड पेंडिंग चलान, इन चीज़ों को प्रॉपर करना है, आपको व्हीकल जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा। साथ में इस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में हमने गुटखा और देसी दारू को भी सीज किया। इसके अंदर भैंसा शहर में पिछले काफ़ी दिनों से हम इलीगल गुटखा पे एक्शन लिए जा रहे हैं। इसमें हमने 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है और साथ में भैंसा सब डिवीजन में टोटल 10 से भी ज़्यादा केसेस को हमने रजिस्टर किया है। भैंसा की सेफ्टी के लिए हमने नाइट चबूतरा मिशन स्टार्ट किया है। इस चबूतरा मिशन के अंदर जो भी बिना काम के बाहर लोग घूम रहे, किसी भी तरह का पब्लिक मूवमेंट है, उनके तरफ से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, उनका रीज़न चेक किया जा रहा है, उसकी तरफ से पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। और मैं सभी भैंसा के लोगों को, भैंसा के आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीने में भैंसा में काफ़ी सुधार का माहौल पाया गया। यहाँ पे पहले हार्डली 10% लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं रहते थे, लेकिन अभी 70 से 70 to 80% लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर RC और इंश्योरेंस है। भैंसा में एक सस्टेनेबल, यदि हमें पीस चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, तो भैंसा में सबसे इम्पोर्टेंट है CCTV फुटेज। तो प्रॉपरली मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग, गली के लोग एक साथ आके हर एक घर के सामने एक मिनिमम 1 कैमरा होना चाहिए, हर मार्केट में कैमरा होना चाहिए, हर शॉप के सामने कैमरा होना चाहिए। एक कैमरा मतलब 100 पुलिस के जैसा काम करेगा। तो भैंसा की सुरक्षा के लिए हम जल्द से जल्द यहाँ पर एक CCTV नेटवर्क इस्टेब्लिश करें और भैंसा टाउन की तरफ से यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हम इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसके अंदर भैंसा टाउन में जितने भी कैमराज हैं, सभी कैमराज को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। थैंक यू।